आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आज की एक और नई वीडियो में। उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो यहाँ पर चल रही है भाई प्रेस, और ये सूट की मैं कटिंग करने जा रही हूँ, सूट नहीं सॉरी, इसकी मैं अफ़गानी सलवार कटिंग करूँगी। और मैंने कई बार भाई आप लोगों के साथ शेयर भी कर रखा है, और कई बार ऐसा होता है आप वीडियो देख लेते हो और पता भी नहीं लगता भाई क्या चीज़ कट करी और किस तरह कट करके मैंने सिल ली है। तो भाई अगर ध्यान से देखोगे तो थोड़ा बहुत तो भी ज्ञान मिल जाओगा। तो यहाँ पे मैं अफ़गानी सलवार बिल्कुल सिंपल से तरीके से बनाती हूँ। पहले बनाती थी कली पार्ट और बेल्ट भी जोड़ देती थी, और अब बिल्कुल सिंपल से तरीके से बना लेती हूँ। तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, बस एक सिलाई में ही कंप्लीट हो जाती है, नीचे लेस वगैरह लगा कर, और इसको भी पूरी कर दूँगी। ये इतनी हैवी इंसान की नहीं है, तो मैं थोड़ी सी हल्की बना रही हूँ इसको। और अपनी बनाऊंगी तो भाई पूरी वो ले लेती हूँ जितनी भी चौड़ाई है, क्योंकि भाई इंसान के हिसाब से पहने पाउँचे यहाँ पर लेस लगा दी है और चुनौटे डाल दी, उसके बाद में निशान लगा के पाउँचे का। और ये मेरी सलवार हो चुकी है कंप्लीट, ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता इसमें। पर थोड़ी सी ये हल्की बिल्कुल मैसेज डालने में, और जो कि प्लास्टिक है वो डालने में थोड़ा सा टाइम लगा है, वरना कुछ टाइम नहीं लगता, फटाफट से हो जाती है। और ये हो चुका है अगले दिन सुबह का टाइम। यहाँ पर इसी का नहा धो के और अपना भी नाश्ते पानी की तैयारी में लगी हुई है, क्योंकि मैं और कामों में बिजी हूँ, तो वो अपना खुद से ही ले रही है, तो अपने लिए बनाना शेक बना लेगी। और यहाँ पे मैं ये बेड शीट है ये चेंज कर देती हूँ। तो भाई मशीन लगा रखी है, मशीन में मैंने डाल दिए हैं कपड़े, तो वो साथ के साथ मैं बाकी वाले कपड़े तो भाई पहनने वाले वो तो धुल के, उसके बाद मैंने दो टॉवल डाल रखे हैं और एक बेड शीट डाल रखी है। और बेड शीट इतनी गंदी थी नहीं, वैसे ही डाल दी, क्योंकि उसमें एक कट लगा हुआ है, वो मेरे को भी रफू करनी थी, और वो पति देव की फेवरेट चादर थी। और भी मेरी प्रेस इतनी ख़तरनाक वाली है, जो भी मैं अंदर रख के आई हूँ, फरारी नाम की ब्रांड की या पता नहीं कुछ ऐसा ही है, क्रम्पटन की है, वैसे मैं उसको भी फरारी बोल देती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कपड़ों को जलाती है। और यहाँ पे मैंने बेड शीट भी चेंज करती है, और ये पिल्लो कवर भी चेंज करती है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है और एकदम फिटेड है ये, क्योंकि चारों तरफ इसके लास्ट। और ये यहाँ पे दोनों दरवाजे बंद करके, और देखो भी क्या कर रही है, ये बना लग रही है अपना शेक। और मैंने टिंडे की सब्जी बना रखी है और आटा लगा कर रख रखा है, और ये नहा के और अपने लिए बना रही है शेक। बन गया ओके, दक्ष कोने दक्ष तो गया बाहर, वो तो खा पी का अपना करके पेट पूजा गया, उसने तो केला ही खाया था। और अब मैं कर लूँ झाड़ू पोछा, बाकी रोटी सेकनी है और कुछ नहीं करना। रख दे, बड़ी कृपा होगी आपकी, बच्चा उड़ा देवेगी उस तो, और भूसा थोड़ी देख लो, दिखाओ दिखा अपना, दिखा अपना गिलास दिखा। रख दे, यो ज्यादा वाला रख दे। और अभी लग गई थी भाई साफ़ सफाई करने में, तो हवा चलती है बहुत ज़ोरों से, तो वो सारी जो ऊपर छत पर पीछे पौधे लगे हुए हैं, पेड़ हैं जो उनके पत्ते वगैरह, और बहुत सारा वो मिट्टी आ जाओ छत पे। वैसे मैंने छत बिल्कुल साफ़ सुथरी कर रखी है, कुछ भी नहीं है उसके ऊपर, पर फिर भी हवा तेज़ चल रही है, आंधी आती है तो भी हो ही जावे है, पर ये आंधी वैसी नहीं है जो गर्मी के टाइम पर आती है बिल्कुल धूल भरी, क्योंकि भाई अभी नमी है धरती में बहुत ज़्यादा, तो इस कारण ज़्यादा धूल तो नहीं उड़ती, पर मिट्टी तो आ ही जावे है थोड़ी बहुत। तो भाई यहाँ पे सफाई करने लग गई,
और फर्श ये ऐसा कि भाई अगर थोड़े से भी बादल हो जाए ना तो ये नमी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। किसी भी घर में जाकर देख लो, इतनी ज़्यादा नमी है, रे है कि बस पूछो ही मत। कितना ही कुछ बना लो, टैल लगा लो, उनके ऊपर भी चढ़ जाती है, बिल्कुल छत तक चली जावा है। फ्रिज में देख ले, इतनी मेहरबान होगी तेरे की, अफसे एक बना कर रखा है। ये उसके पैर छूने पड़ेंगे भाई, इतनी मेहरबानी कर दी छोरी ने। जब गंदे थे, जब तक तने इस दे दिए ना, तू रिश्ते दे देती। वैसे मैंने तो अच्छे लगे। अच्छे लागते तो तू इस ना देती। अच्छा यो शेक भी पूरा मैं भी लेती थी। इतना पिया ही ना जाता, एक गिलास में पेट भर जा है। हम पागल नहीं है भैया, ठीक। बेचारा इसने न्यू वक, मेरी बहन ने इतनी मेहनत करके चावल बनाए थे, मैं खा लू कोई बात ना, चुपचाप गंदे भी है तो देख सीख इस ते कुछ, ठीक। तो मैंने झूठ तो बोली ना इसने। अच्छा क्या झूठ बोली, क्या झूठ बोली, क्या झूठ बोली भाई, तो ना दक्ष झूठ बोली, कुछ झूठ ना बोली। बोली तो अच्छे हैं, मैं खा लूंगा, मैं खा लूंगा। झूठ बोलना पाप है। और ऊपर की करे भाई तू, दक्ष कबड्डी कबड्डी कबूतरा खेला, किताबा खेला। खेला, पढ़ा था। हाँ झूठ झूठ। ओहो बाबू जी, लैपटॉप ले ले चाहिए होता है। लैपटॉप में क्या पढ़ेगा, अपनी बुक पढ़ेगा। 12 तारीख तो पेपर है, सारा 12 तारीख कल ही एक ऐसा मैंने पढ़ना है। लैपटॉप दे दूंगा का ले लिए। सारा हो गया तेरा सिलेबस। मैं मौत करो ऐसा, मैं मौत हाँ करो ऐसा। चलो मैं अपनी भी दे दूंगा, अपनी भी और भाई गोल्ड मेडलिस्ट हो गया तू तो है। बस लगा दी भाई झाड़ू, और एक पोचा और लगाना है, पोचा लगा दी। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ पोचा, और पोचे लगाते टाइम अगर पानी में थोड़ा सा भाई सेंधा नमक डाल लेना, जो आता है समुद्री नमक बोला है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। नेगेटिविटी जो भी होती है घर में वो दूर हो जाती है। तो हफ्ते में एक बार ज़रूर सेंधा नमक डाल के और फिर पोचा लगाए। वैसे तो भाई नहाते टाइम भी एक चुटकी अगर हम नमक डाल कर नहाएंगे तो बहुत ही अच्छा बतावा है। तो भाई मैं पोचा लगा लेती हूँ, और हफ्ते में एक या दो बार तो भाई मैं सेंधा नमक डाल के ज़रूर लगा लेती हूँ, और ज़रूरी भी है। तो यहाँ पे अब फटाफट पोछा लगा कर फिर नहा धो के तब जाकर मैं रोटी बनाऊँगी। वैसे पूरी तैयारी मैंने कर रखी है, और अभी बस नहा के और फिर सेक दूँगी। और ये आ चुकी हूँ मैं नहा के, और ये वाला नायरा कट मैंने यहाँ पे सूट डाल रखा है, और अभी लगा लेते हैं भी बॉडी लोशन वगैरह। वैसे तो और कुछ मेकअप वगैरह मैं करती नहीं हूँ, और घर में रहना है तो ये कह दे है, घर में की जरूरत है भाई, घर में ही जरूरत है कि नहीं कहा है। बाहर तो जावा है टिप टॉप बन के, बाहर कौन देखा है, घर में टिप टॉप बन के रहो अपने। तो यहाँ पर बस मैं नहा ली थी, और तक्स घूमन लग रहा है, खाने की वेट कर रहा है कि भाई मैं किस टाइम पर बनाऊँगी। और ये मैंने खुद ही बना रखा है ये हैंगर के ऊपर ये वाला, क्योंकि भी ड्रेसिंग का एरिया है जो बहुत ज़्यादा छोटा है, और इतना सारा सामान इन्हें भर रखा है। 2-3 तरह के तेल है, 2-3 तरह का बॉडी लोशन है, कहीं पर मेरी इयररिंग्स रखी है, मतलब कि जो वैसा सामान है वो ज़्यादा है, क्रीम पाउडर वगैरह ये चीज़ें तो है नहीं, और ना मैं लगाती, और फिर लेके आने का भी पैसे वेस्ट करने का भी कोई मतलब बनता नहीं। भगवान ने जैसा रंग रूप दे रखे वैसा तो रहेगा, ऐसे पैसे वेस्ट नहीं करती, और बहुत ज़्यादा पैसे बचा लेती हूँ। ये देखो भाई, फिर मैं फिर लग गई, अपने लिए बना रही हूँ अफगानी सलवार, वो वाली बनाई थी मैंने, वो और किसी की बनाई थी। तो यहाँ पे मैं पूरी इसकी लेंथ ले लेती हूँ भाई, जितनी लेंथ होती है, और साथ में ही जो इसमें लास्टिक डालने वाला कपड़ा होता है वो भी मैं इसमें ले लेती हूँ, क्योंकि तीन अगर अगर हम 3 इंच नीचे से पाउच अलग से जोड़ेंगे तो 3 इंच हमारा लास्टिक में काम आ जाएगा। तो जितनी भी लेंथ हो ना उतनी की उतनी ले लेते हैं, और पाउचे के हिसाब से यहाँ पे मैंने चौड़ाई ले ली है। तो ये देखो भाई, थोड़ी सी साइड में पट्टी बचेगी, वरना बिल्कुल पूरा कपड़ा
इसमें यूज़ हो जाएगा। पैंट में तो बहुत ज़्यादा कपड़ा बच जावा है और इसमें बिल्कुल भी नहीं बचता, जितना भी कपड़ा है सारा इस्तेमाल में आ जाएगा। जो साइड में से पट्टी लगी है वो पाउचों में लग जाओगी और ये यहाँ पर बस अब मैं सिलने में लग गई थी। तो ये फोम वाली शर्ट है, इसके मैं बनाऊंगी तो करीब है चौड़े और यहाँ पर मैं सिल रही हूँ, साथ साथ में वीडियो भी बना रही हूँ और अपना काम भी कर रही हूँ, तो एक साथ में दो तीन काम मेरे हो जाते हैं। और ये बस अब ये इसको जोड़ कर और नीचे के जो पामचे हैं उनके ऊपर लगा दूंगी, थोड़ा सा डिज़ाइन बनाऊंगी और लेस वगैरह कुछ लगा के, और बस अब ये जोड़ के ऊपर की साइड में पलट देने हैं, एकदम बिल्कुल सफाई से बन जाएगी ऊपर की साइड नीचे की साइड भी। तो यहाँ पर मैंने लगाई थी सिल्वर कलर की, और भैया फिनिशिंग के साथ मेरी सलवार हो चुकी है अफगानी रेडी, ऊपर लास्टिक है और नीचे ये पहुँचे। तो कैसी लगी सलवार मेरी वो भी बताना भाई, और आप किस तरीके से अगर सिलते हो तो किस तरीके से सिलते हो वो भी बताना। और यहाँ पे लगी थी मैं इसका जो कमीज है उसके अस्तर की कटिंग करने, 2 मीटर के करीब मैं लेके आई थी अस्तर। तो भाई मेरी थोड़ी हाइट ठीक ठाक है, 5.5 फुट की है, तो उसी के हिसाब से लेंथ चाहिए होती है भी पूरी, और इसमें आती है 39 इंच और कमीज की हो जाती है 40-42 इंच। तो भाई उस हिसाब से मैंने इसमें लगा लिया है कटिंग करने से पहले ही जोड़, और पूरी लेंथ हो जाएगी 2 मीटर कपड़े में ही आराम से मेरी फुल लेंथ निकल आएगी सूट की। और यहाँ पर मैं इसको भी कट करके और थोड़ा बहुत है जोड़ देती हूँ, बाकी का करूँगी कल क्योंकि अभी हो चुकी है शाम। तो आपको वीडियो कैसी लगी ये भी बता देना, और जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना।